मेरे आसपास देख रहे हैं आप, अच्छे से देख लीजिए मेरे आसपास। अनबिलीवेबल, स्पीचलेस। फाइनली वी हैव लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई होटल में हूँ या मैं ट्रेन में हूँ, ये मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। और मैं हूँ अभी दिल्ली में, एंड मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मुंबई, इन मुंबई तेजस राजधानी। हम कवर करेंगे 1300 कुछ किलोमीटर इन 15 hours 40 minutes, एंड दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ मुंबई राजधानी। और गाइस अंदर आते ही मतलब भाई गजब इंटीरियर है यार, मतलब सीरियसली गाइस ये देखो वुडन यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग वगैरह दी है, नीचे रेड कार्पेट है, यहाँ पे वुड लगा है, यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह दी हैं, वहाँ पे स्क्रीन वगैरह दी है। दिस हैज़ बीन बाय फार द मोस्ट, अब बोलोगे कि मैंने लास्ट टाइम ब्लॉग किया था तो वो मैंने अगस्त क्रांति में किया था, ठीक है, ये तो मुझे लग रहा था कि सेम होंगी, लेकिन नहीं भाई, ये इसका इंटीरियर आई थिंक पूरे हिंदुस्तान में, अभी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी फर्स्ट क्लास एसी आप ट्रैवल कर लो, कोई भी फर्स्ट क्लास एसी आप ट्रैवल करो पूरे हिंदुस्तान में, इससे बेहतरीन इंटीरियर आपको ट्रैवल करने को नहीं मिलेगा। बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा लग्जूरियस फर्स्ट क्लास एसी है जिसमें मैं अपनी लाइफ में पहली बार ट्रैवल करने जा रहा हूँ, वो भी इंडिया में। ये है कुछ इंटीरियर फर्स्ट क्लास एसी का, प्राइस की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ लगी हुई है पेंटिंग्स, दो पेंटिंग्स लगी हुई हैं। यहाँ पे कर्टेंस देखो, ब्लू कलर के कर्टेंस दिए हैं, यूजुअली कैसे देते हैं आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे मिले हैं हमें ब्लू कर्टेंस। और यहाँ पे हमको जो ब्लैंकेट्स दिए हैं बहुत ही गजब और प्रीमियम क्वालिटी की ब्लैंकेट्स हैं। रेड कार्पेट है जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है, यहाँ पे भी रेड कार्पेट है, देखो यहाँ पे भी रेड कार्पेट है। और जो ये सीट्स है ना, ये बहुत ही कमाल की, मतलब ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं कंपेयर टू जो नॉर्मल वाले, जो नॉर्मल सीट्स हमें होती हैं फर्स्ट क्लास में, उसके कंपैरिजन में तो यार ये सीट जो है कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल है। ये तो आप देख लो अंदर का इंटीरियर, कितना ही कमाल का इंटीरियर है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा ना, यहाँ पे भी पूरी वुडन फ्लोरिंग दी है, यहाँ पे पूरा जो उन्होंने वुड का वो कॉन्सेप्ट दिया है ना, यहाँ पे पूरे वॉल्स में, यहाँ पे भी नीचे रेड कार्पेट, बिलीव मी इतना कमाल का लग रहा है। अब मैं रेटिंग, अगर मैं कोई भी रेटिंग देता हूँ ना इसको, तो रेटिंग किसी काम की नहीं है, बिलीव मी। आई थिंक अभी अभी रेनोवेट किया है, बट माइंड ब्लोइंग यार। तो बाहर से देख लो, बाहर से कुछ ऐसा है, बाहर से भी रेड कार्पेट है, लग्जरी 10 on 10। मैंने पे किए हैं लगभग अराउंड 5,300, और सेकंड एसी का जो प्राइस था वो था 4,200, थर्ड एसी का था अराउंड 3,000। तो सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में सिर्फ 1,000 rupees का फर्क है। तो अगर आपको फर्स्ट एसी में खाली मिल रही है और आप सेकंड एसी में लेने जा रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि फर्स्ट एसी में ले लो। उसका रीजन ये है क्योंकि भाई कितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है फर्स्ट एसी में, कि दिल्ली मुंबई के बीच अगर आपके पास 14-15 घंटे हैं, मतलब 14-15 घंटे ट्रैवल कर सकते हो, दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ से हम निकलेंगे अराउंड 4:55 को, और अभी हो रहा है 4:18, अराउंड 4:55 को निकलेंगे। मेरी जो सीट है वो है ये। इस ट्रेन में आपको फर्स्ट एसी में टिकट तो पहली बात तो मिलेगी नहीं आसानी से, कभी नहीं मिलेगी। और लकीली मुझे टिकट तो चलो मिल गई, लेकिन वो भी कूपे में मिली है। ये व्लॉग एंड तक देखना, आपने शायद मुझे लगता नहीं है कि, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं भाई, ऐसा इंटीरियर तो मैंने पर्सनली नहीं देखा। यहाँ पे कर्टन्स नहीं दिए, ऑफ कोर्स धूप ढकनी हो तो उसको नीचे कर लीजिए, एंड अगर बाहर देखना है तो उसको ऊपर कर लीजिए। जो कांच है बहुत ज्यादा साफ है, बहुत क्लीन कांच है इसके, डोर्स ऑटोमेटिक है। ऑफ कोर्स ये सारे स्टॉप्स दिखा रहे हैं, कोटा, देन नागदा, रतलाम, बड़ौदा, सूरत, बोरीवली, मुंबई, इतनी स्टॉप्स है, ज्यादा स्टॉप्स है नहीं। यहाँ पे भी एक टीवी स्क्रीन दी है, रेलवे स्टेशन जो दूर है वो है अराउंड 464 किलोमीटर दूर है यहाँ से कोटा, एंड टेम्परेचर वगैरह भी दिया है, एंड बाथरूम वेकेंट है कि नहीं वो भी शायद आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे इन्होंने व्हाइट लाइट लगाई होगी ना यहाँ पे, अगर कोई देख रहा है, या फिर एक पर्सनल मेरी सजेशन है कि यहाँ पे ना वार्म लाइट्स लगवा दो, मतलब अगर लगवा सकते हैं कोई तो, मतलब वार्म लाइट्स अगर होती ना तो इस वुडन फ्लोरिंग के साथ बहुत अच्छी मैच करती, मतलब थोड़ी सी वार्म लाइट्स और अंदर ऐसा इंटीरियर, तब तो समझ लो कि आपको महसूस ही नहीं होता कि आप ट्रेन में हो कि आप एक कोई होटल में हो, 4-star 5-star होटल में। अगर यहाँ वार्म लाइट्स लग जाए ना तो भाई साहब एक्सपीरियंस ट्रिपल हो जाएगा। अभी भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आई थिंक सो। लेग स्पेस देखो,
कितनी गजब की लेग स्पेस है, मतलब आराम से फैल के बैठोगे ना तो भी दीवार टच नहीं करोगे। 6 फुट के भी हो ना, मतलब 5'11" 5'10" हो तो भी टच नहीं करोगे वहाँ पे, तो मतलब बहुत बहुत खुली स्पेस है। और बिलीव में किसी को नीचे सोना है तो वो भी सो सकता है। ये है अटैच डस्टबिन, अटैच नहीं है सॉरी, बट डस्टबिन भी दिया है और काफ़ी, ये भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का डस्टबिन है। ठीक है, खुल जा। आई नो ये वाला व्लॉग कम से कम 10-15 दिन बाद आ रहा है, अराउंड 10 डेज बाद आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ा शिफ्टिंग में थोड़ा बिजी हो गया था। अपने कम्युनिटी पोस्ट में मैंने अपडेट कर दिया था कि मैं हाउस शिफ्टिंग में थोड़ा बिजी हूँ। रियली सॉरी लेट आया, बट आई थिंक लेट आया लेकिन बॉम्ब कॉन्टेंट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद जो कॉन्टेंट है वो भी एक नंबर होने वाला है। शीशा साफ है और वैसे भी इसके डोर्स ऑटोमेटिक है तो उतरना ज्यादा होता नहीं है। सारा कुछ शूट में आराम से यहाँ बैठे बैठे कर सकता हूँ। दिस इज द बेस्ट पार्ट एंड ऑफिशियली दिस इज द फास्टेस्ट राजधानी इन इंडिया। एक और रीजन जो पर्सनली मुझे लगता है कि इतना अच्छा इंटीरियर इस ट्रेन का स्पेसिफिकली किया है कंपेयर टू एनी अदर ट्रेन, वो ये है कि इस पे आई थिंक VVIPs बहुत ज्यादा चढ़ते हैं इस ट्रेन में। ठीक है, फिलहाल अभी क्या है ना कि एक्सप्रेस वे भी बन रहा है दिल्ली बॉम्बे के बीच में। जितने भी VVIPs होते हैं, जैसे कुछ MLA हैं या फिर कुछ पॉलिटिशियंस हैं या फिर एक्टर्स हैं, इवन ब्लॉगर्स नहीं मजाक कर रहा हूँ, तो वो क्या है सब चढ़ते हैं। ठीक है, अब जब एक्सप्रेस वे बन जाएगा काफ़ी पॉलिटिशियंस जो हैं या फिर एक्टर्स हैं वो बाय रोड निकल जाएं दिल्ली मुंबई, लेकिन अभी जो है काफ़ी जो है प्रेफर करते हैं राजधानी। टॉप मोस्ट पर्सनालिटीज जो है आपको यहाँ मिलेंगे, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका जो इंटीरियर एंड खाना वगैरह टॉप क्लास रखा है। राइट नाउ इट्स 4:55 एंड फाइनली वी हैव लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली। कल पहुंचेंगे मुंबई अराउंड 8:35 को। एंड वो देखो वो बाय भी बोल रहा था, कोई बोलना भूल गया था। अगर ये व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना, मुझे इसी से मोटिवेशन मिलता है एंड मैं आपके लिए ऐसे ही कॉन्टेंट बनाता रहता हूँ। बाय द वे इस बार आपको जो मेरा बैकग्राउंड दिखने वाला है ना वो वुडन बैकग्राउंड दिखने वाला है एंड आपने पहले ऐसा कभी नहीं देखा होगा। व्लॉग देखने में तो आपको बहुत मजा आने वाली है। सब्सक्राइब दबा देना, लाइक भी। जो इसकी ईटिंग टेबल्स हैं आप देखो इसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है। तो यूजली तो हमको मिलती है कुछ ऐसी हिली डुली, लेकिन ये प्रॉपर वुडन की हैं। स्नैक्स या डिनर या लंच करने में अलग ही मजा आएगा। देखते हैं क्या आता है। सस्पेंस ही है बिकॉज अंदर आते था सस्पेंस मिल गया था। भैया इसको आप ब्राउन ब्रेड में ला कर दे सकते हो क्या प्लीज? नहीं आएगा। Our snacks is here and जिसका हमको सबसे ज्यादा इंतजार था ये मिला है हमको मैंगो ड्रिंक। ये काफी कॉमन है बट हाँ इस बार रियल का मिला है तो थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये रियल का है, तो इसको रखते हैं साइड पे। ये है सैंडविच, आई थिंक चीज एंड मेयो सैंडविच है, बट मैंने इनको बोला कि आप ब्राउन ब्रेड में लेकर आ सकते हो तो ले आओ, बट मना किया उन्होंने, बोला कि नहीं है ब्राउन ब्रेड में, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसको टेस्ट करेंगे एक बार। एंड यहाँ पे हमको मिली है कचौड़ी। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, इस बार ना मैं अपनी चाय पीने वाला हूँ मैक्स प्रोटीन की चॉकलेट चिप कुकी के साथ। एंड आपको पता होगा मैंने बहुत बार कंप्लेंट्स की हैं कि मैं हेल्दी खाना नहीं खा पाता जिसकी वजह से मेरी हेल्थ डाउन हो रही है या फिर मेरा फैट बढ़ रहा है, लेकिन मैंने अपना सोल्यूशन निकाल लिया है फाइनली। बिलीव मी आने वाली सारी जर्नीज में आप देखने वाले हो कि मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ मैक्स प्रोटीन की चॉकलेट चिप कुकी। ठीक है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं इसमें। अब रीजन क्या है इसको कैरी करने का, तो लेट मी बी वेरी क्लियर। इसमें है 10 grams प्रोटीन जो कि एक ग्लास ऑफ मिल्क जितना है। एक ग्लास मिल्क पियोगे उससे अच्छा अगर आप ये खा लोगे तो उतना प्रोटीन आपको मिल जाएगा। इसमें है 4 grams फाइबर जो कि एक एप्पल में होता है ना उतना फाइबर आपको इस कुकी में मिलेगा। और हाँ द बेस्ट पार्ट, इसमें मैदा बिल्कुल नहीं है, ओट्स की बनी है, आटे की बनी है, इट्स प्योर वीट। वीट के साथ साथ इसमें है ओट, रागी, वीट, सारे ग्रेन्स भाई जो इसको हेल्दी बनाता है। मतलब इसको मैं कब से ढूंढ रहा था एंड अब ये मुझे मिल गया है। अगर आप सुबह उठे हो आपके पास ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है या अगर आपको भूख लग रही है एंड कुछ खाने का मन है, इससे अच्छा स्नैक आई डोंट थिंक सो आपको मिल सकता है। और अगर आप ट्रैवल करते हो मेरे जैसे या आप ट्रैवल के शौकीन हो बहुत ज्यादा, आई वुड सजेस्ट आने वाले सारे ट्रिप्स में इसको अपने साथ कैरी करो, अपनी हेल्थ को भी बचाओगे एंड ट्रैवल भी कर पाओगे। ट्रेन जर्नीज में बहुत बार मैं बोलता हूँ यार रात 3 बजे भूख लग रही है, 4 बजे भूख लग रही है, आपको भी लग सकती है। ठीक, अगर इसको खाओगे ना एक तो आपका पेट भी भरेगा, स्नैक भी हो गया और प्रोटीन भी मिल गया और आपने कुछ जंक भी नहीं खाया। यूज माई कोड HARRY20, 20% ऑफ, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। या अभी ट्रैवल कर रहे हो अपनी हेल्थ को बचाओ, मैक्स प्रोटीन खाओ। प्रोटीन बार्स, प्रोटीन चिप, न जाने क्या क्या मैक्स प्रोटीन में आपको मिलेगा। इसका साइज देखो इतना बड़ा है कि कैमरे में जस्टिफिकेशन मिल रहा है कि नहीं, बट काफी बड़ा साइज है इसका। इसको अगर माइक्रोवेव में गर्म करके खाओगे ना तो टेस्ट जो है into 2 times हो जाएगा, बट ऐसे भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, ये आराम से ऐसे टूट गया, इतना टेस्टी चाय के साथ
एंजॉय कर सकते हो। हाँ, चाय इज हियर, बिस्किट का रोल खत्म, अभी प्रोटीन रोल शुरू। चाय पीना एंड साथ में ट्रैवल करना, और साथ में अगर हेल्थ भी बन जाए तो बॉस मज़ा ही आ जाए। सनसेट बहुत ही कमाल का हो रहा है, ठीक है, और मैं चाय एंजॉय कर रहा था। ये सैंडविच वैसे दिखने में फील में तो ठीक लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं डेट लिखी हुई थी 7th of August, मतलब आज ही का बना है। ऑफ कोर्स पुराना तो दे नहीं सकते, नो चांस, वो तो आपको मिलेगा नहीं। बट टेस्ट करते हैं एक बार, एक बाइट लेके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि आप लोगों से बहुत लोग जानना चाहोगे कि कैसा है। काफ़ी नॉर्मल है गाइस, मतलब कुछ इतना एक्सेप्शनल नहीं है। याद होगा एक बार जब मैं रांची जा रहा था तब मैंने मेयो सैंडविच खाया था, चीज़ मेयो सैंडविच, और वो बहुत ही तगड़ा था। ये नॉर्मल है, इतना कुछ खास नहीं है। ये चाय जो थी अंदर से बन के आई थी, मतलब इसमें कुछ सामग्री वगैरह नहीं थी, अंदर बन के आई थी। अब 7/10 काफ़ी हार्ड है, थोड़ी सी फ्रेश और हो सकती थी, बाकी ये 8/10। ये है दूसरी कुकी रेजिन वाली। राइट नाउ इट्स 5:42, 50 किलोमीटर आ गए होंगे हम दिल्ली से। स्नैक्स हो गया है कंप्लीट, और एलमंड्स और जूस मैंने रख लिया है बाहर, और ये वाइप्स को भी रख लिया, काफी काम की चीज़ है। और एलमंड्स वगैरह मैं बाद में खा लूंगा, जूस बाद में पी लूंगा, अभी चाय और ये कुकी इंजॉय कर रहा हूँ। और ये भी मैंने रख लिया है, कभी मीठा खाने का मन करा तो खा लूंगा। फिलहाल स्नैक इज डन, के बाद सीधा आएगा हमारा डिनर, आई थिंक सो सूप आएगा, लेकिन वो बहुत बाद में आएगा। जब तक मैं इंजॉय करता हूँ ये बहुत ही प्यारा सा सनसेट। वो डिनर का ऑर्डर लेने आए थे तो मैंने उनको कुछ बोला कि आप ये स्पेशल बना दो, तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। जैसे पहले हम स्पेशल रिक्वेस्ट करते थे तो वो चीज़ बन जाती थी ना, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू सम रीज़न टेम्परेरी जो है पॉज किया हुआ है। तो मतलब अगर आपको चिली पनीर चाहिए या फिर वो अलग अलग चीज़ें चाहिए तो वो फिलहाल नहीं मिल पाएंगी, टेंडर इशूज़ हैं, एंड आई थिंक एक महीने में रिजॉल्व हो जाएंगे। ऑल्सो एक फ़ायदा है इस रेड कारपेट का कि बिना शूज़ के भी आप आराम से चल सकते हो, एंड अगर नीचे कुछ गीला भी हो जाए या फिर कुछ चिपचिपा गिर भी जाए तो आपको फील नहीं होगा। राइट नाउ वी हैव जस्ट क्रॉस्ड होडल, और यहाँ से कोटा है अराउंड 330 किलोमीटर्स। Right now it's 6:25 and we have covered around 135 kilometers. बस मथुरा के पहले ही हैं, यहाँ पे स्टॉप नहीं है हमारा हालांकि। So far the journey has been amazing. लगभग 1 घंटा 20 मिनट में हम लोग आ गए हैं, एंड बड़ौदा पहुंचेंगे रात में 3:30, मतलब सुबह पहुंचेंगे 3:30, मतलब सोचो 11 घंटे में पहुंचेंगे बड़ौदा, अराउंड 950 किलोमीटर्स है, एंड वील कवर अराउंड 10 to 11 hours। ये मतलब बताऊँ एक्चुअली टॉप नॉच परफॉर्मेंस है, टॉप नॉच। एंड गाइज वी आर क्रॉसिंग मथुरा, स्टॉप नहीं है ऑफकोर्स। 6:40 हो रहा है अभी, तो डॉट ऑन टाइम है, हल्का आई थिंक 2-3 मिनट बिफोर ही होंगे। बट यहाँ पे रश देखो गाइज, कितना ज्यादा रश है, पूरी पब्लिक ही पब्लिक है, देखो लाइन से खड़े हुए हैं लोग, बहुत बहुत पब्लिक है इधर। ऑफकोर्स ये बिजी है, स्टॉप है अगला कोटा। राइट नाउ है 6:57, हमारा सूप आ चुका है, ये है वेजिटेबल सूप, अंदर से बन के आया है, और यहाँ पे इन्होंने ब्रेड स्टिक्स दिए, और इस पे कुछ लिखा भी है 20 grams इसका वेट, मैन्युफैक्चरिंग की डेट है 25th July, बेस्ट बिफोर 30 days, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है कि बनी कहाँ से, ये ओखला से बनी है। इसको ट्राई करते हैं एक बार ये कैसा है कैसा नहीं। बाकी ये वेजिटेबल है, दिखने में लग रहा होगा कि ना स्वीट कॉर्न है, लेकिन ये वेजिटेबल सूप है, काफी बढ़िया है टेस्ट, हालांकि स्वीट कॉर्न जैसा है, बट भैया बोल के गए कि ये स्टेबल है। खत्म करते हैं इसको, एंड काफी टाइम से काफी जल्दी ले आए सूप, बाहर देखो अभी अंधेरा भी नहीं हुआ, अब मथुरा के आ गए हैं फिलहाल। बाय द वे अगर आप सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहे हो या थर्ड एसी में, तो आपको सूप नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट एसी में ही मिलता है सूप, और पहले मिलता था बहुत साल पहले सेकंड या थर्ड एसी में। ये देखो कॉम्बिनेशन कितना कितना गजब का लग रहा है। बाकी ये जो टेबल्स हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें आप लंच करो, ब्रेकफास्ट करो, डिनर करो, इसमें अपना आप लैपटॉप में काम भी कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मुझे कुछ काम है तो मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, हालांकि ये ब्लॉग शूट होने से पहले मैं एडिट नहीं कर सकता, बहुत पहले शूट करूंगा फिर ही एडिट करूंगा। सोते वक्त यही लगेगा कि भाई कि मैं ट्रेन में हूँ या कोई होटल में, मतलब फर्क समझ नहीं आएगा बिल्कुल। सो राइट नाउ इट्स 8:30, 110 किलोमीटर दूर होंगे हम लोग कोटा से, और फाइनली अब हमारा डिनर आने वाला है, भूख भी लग रही है काफी ज्यादा। ये है कटलरीज, इन्होंने इस बार वुड की कटलरीज दी हैं, वैसे यूजली तो आपको स्टील की मिलेंगी, मुझे लग रहा था वुड है लेकिन स्टील दिया है इसमें। देखते हैं भाई खाने में क्या आता है। मैंने मंगाया है पनीर, पनीर ही होगा ऑफकोर्स, आलू की सब्जी होगी, बट लेट्स सी क्या स्पेशल आने वाला है, बिकॉज पहले तो आप बोलते तो कुछ भी बन जाता। मैंने जैन फूड के लिए कहा था, आपका जैन ही आया था। ये है दाल, लहसुन प्याज डायरेक्टली केस रोल से ला के दिए इन्होंने, काफी गर्म है, इसको टेस्ट कर लेते हैं पहले। हाँ बाय द वे अगर आप जैन खाना खाते हैं तो ये दाल जैन है, वो भी एक चीज है, सम गुड टू नो स्टफ। इसको टेस्ट करते हैं ये कैसी है। काफी बढ़िया है, काफी टेस्टी है, आई वुड गिव अराउंड
9/10 तो बनता है, काफी बढ़िया है। कौन सा पनीर, इसका नाम क्या है? ये पनीर मसाला है। पनीर मसाला, ये है जैन पनीर, मतलब जिसमें आपको प्याज लहसुन वगैरह नहीं मिलेगा, ये है नॉर्मल वाला मसाले वाला। तो इसको पहले ट्राई करते हैं। हालांकि जब मैंने लास्ट टाइम ट्रैवल किया था इसमें तो काफी थिक ग्रेवी थी, अभी काफी पतली लग रही है। इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। थोड़ा सा स्वीट है और है टेस्टी, ठीक है। इसके लुक्स पे मत जाना, बट मैंने लास्ट टाइम ट्रैवल किया था तो पूरा पनीर मखानी दिया था इन्होंने, लेकिन ये पनीर मसाला है, थोड़ी पतली ग्रेवी है, बट अच्छा है। आई वुड रेट अराउंड 9.5/10, हर जैसा है, ज्यादा एक्जॉटिक भी नहीं है और ज्यादा मतलब भी नहीं, बट अच्छा खाना है, टेस्टी है। तो ये है जो मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, जैन पनीर। इसको ट्राई करते हैं एक बार, ज़्यादा अच्छा है, वुड से नॉर्मल पनीर से वाला पनीर ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा क्रिस्पी है, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। तो जैन पनीर को आई वुड गिव अराउंड 9, नॉर्मल पनीर आई वुड गिव अराउंड 9/10। नहीं है बंद हो गई ये सब चीज, बंद हो गई क्या बात कर, सब्जी वगैरह जितना भी मटेरियल था सब बंद हो गया, दाल सब्जी बस यही है। आलू की सब्जी है ही नहीं, मतलब सोचो, मतलब हम क्या क्या सोच रहे थे, लेकिन सब्जी है ही नहीं आलू की, सिर्फ दाल पनीर जो मैं टेस्ट कर चुका हूँ और आलू की सब्जी नहीं है। और चपातीज हैं ये अंदर बन के आई हैं, बाहर का कोई रोल नहीं है, अंदर बन के आई हैं। अब ऐसा क्यों है अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। ऑल्सो आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये जो हेल्दी खाना है मैं खा रहा हूँ, इसमें फैट नहीं है, बिल्कुल घर जैसा खाना है, एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हेल्दी खाऊं। चावल भी हैं ऑफ कोर्स, दाल चावल, ये पनीर, सबको खाना मिलेगा, अनलिमिटेड जितना चाहो उतना मिलेगा। फाइनली डन विद द डिनर, कम था, अच्छा था, पेट भर गया, बिल्कुल भी लगा कि मैं घर से बाहर हूँ, पेट भर गया है। एंड वी आर अराउंड 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोटा। कुछ अगर एक्स्ट्रा लगी तो ले आना भैया। 8:52 में मिली है बटर स्कॉच आइसक्रीम, दो ऑप्शन थे, एक वनीला और बटर स्कॉच, मैंने ली है बटर स्कॉच। नॉर्मल डेज में आपको संडे आइसक्रीम भी मिलती है इधर, यस आई एम नॉट इवन किडिंग, बट अभी मिली है बटर स्कॉच। So right now it's 9:27. We are in Kota, Rajasthan. We have covered around 440 kilometers, I think so. Course automatic है. एक और difference मैंने notice किया है कि जो train का top देखो, ये पूरा red color का top है. पता नहीं कुछ अलग है इसमें. अब ये पता नहीं क्यों है. कुछ अलग है. मतलब देखो ना, और अंदर interior भी जो है wooden है. तो overall look ही भाई इस train का अलग ही है. हाँ, 27 degrees Celsius हो रहा है. मतलब गर्मी है इधर. बारिश भी देखो 60% ज़्यादा बारिश भी नहीं है. राजस्थान में पड़ता है ना तो इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है, मतलब जो बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में अभी फिलहाल ह्यूमिडिटी है, बट फिर भी गर्मी तो है। बट हाँ, जो पंजाब और दिल्ली का हाल है ना अभी गाइस, मतलब अलग लेवल गर्मी है उधर। गर्मी छोड़ो, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि आप पूछो भी नहीं। हम यहाँ पे आए हैं 5 मिनट बिफोर, 9:40 को निकलेंगे और अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 9:33। बाय द वे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आपको भी डिफरेंट बैकग्राउंड देख के काफी अच्छा लग रहा होगा। ये दिल्ली में मुझसे मिले थे, दिल्ली में मैं व्लॉग कर रहा था, तो मैं इनको बता रहा हूँ कि भाई व्लॉगिंग क्या होती है, कैसे की जाती है। तो मतलब आप किसी को फॉलो करते हो यूट्यूब पे? आपको ही करते? अच्छा, हमें ही करते हो, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अभी आप बाकी को भी फॉलो करो, एंड जो यूट्यूब का कल्चर है मैं धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा हूँ सबके साथ कि भाई यूट्यूब होता क्या है, ताकि सबको अवेयरनेस हो जाए, ठीक है। अच्छा लगा आप सबसे मिलके। आपका नाम? अमित। ओके, हरकिरत। ओके, आपका? आशुरोडा। आशुरोडा, माय सेल्फ हरकिरत। Right now it's 9:41. We have departed from Kota and now it's time to sleep. Next stop I think Nagda है, 12 बजे आएगा तो वो तो possible नहीं है। ये होटल जैसे 5-star रूम में सोने का वक्त आ गया है। Right now it's 10:09. अब मैं जा रहा हूँ ऊपर सोने के लिए, बेड वगैरह लगा रहा हूँ। हालांकि आप अटेंडर को भी कह सकते हैं, वो भी आके लगा देंगे, अपना काम स्वयं खुद करना चाहिए। उस दिन से काफी थका भी हुआ था, नींद पूरी हो नहीं पा रही थी। अब जो है मैं आराम से सोऊंगा, सुबह 6 बजे उठूंगा, 5 या 6 बजे। तो मैं हमेशा इसको सोने से पहले यूज़ करता हूँ, जो स्किन पे डर्ट रहती है ना, वो रात में निकाल के सोनी चाहिए हमेशा। बेडिंग वगैरह लगा ली है, एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। मैंने ये भी रख लिया अपने साथ, बिकॉज मुझे रात में लगती है भूख थोड़ी बहुत, तो कुछ हेल्दी स्नैक ही खाऊं। फालतू जंक खाने से अच्छा है तो भाई प्रोटीन इनटेक बढ़ाया जाए। आप भी खरीद सकते हो, लिंक दिया ही हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो राइट नाउ वी आर स्टिल 160 किलोमीटर्स अवे, एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। गुड नाइट। Right now it's 5:09 in the morning. We are in Surat, which is in Gujarat. We have covered around 1,143 kilometers from Delhi. Gajab journey rahi hai, aur yahan pe bhi passengers board kar rahe hai. I hope mere coupe mein na kare, because sirf main hi tha mere coupe mein. And this is the last stop before Mumbai. Iske baad aayega Borivali. So far, so amazing है। यहाँ का मौसम गर्म है बट ह्यूमिड कम है। अनफॉर्चुनेटली मेरी सीट में कोई ना कोई आ गया, सुबह के 5 बजे भी आ गया, मतलब सबसे कम चांसेस होती हैं यहाँ से आने की, लेकिन यहाँ से भी कोई ना कोई आया है, बिलीव मी गाइस। इसमें देखो यहाँ पे भी स्पीकर्स लगे हैं, तब बंद करने से पहले बोलते हैं कि भाई दूर हो जाओ, बिकॉज ज़रूरी है ना, कई लोगों को समझ नहीं आता, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दरवाजे हो गए हैं बंद,
वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अभी हो रहे हैं सुबह के 7:10. वी आर अराउंड 170 किलोमीटर लगभग अवे फ्रॉम मुंबई. अभी जो मौसम है देखो, ओवरकास्ट मौसम है, पूरे बादल ही बादल छाए हुए हैं. कहाँ दिल्ली में गर्मी थी है ना, और यहाँ देखो कमाल का मौसम हो रहा है. एंड राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग उमरोली. ब्रेकफास्ट आ चुका है मेरे कैबिन में. तो गाइज अब ब्रेकफास्ट इज हियर. मैं खा रहा हूँ वेज जैसा कि मैंने बोला. तो ये है कटलेट, इस बार मिली हमको ब्राउन ब्रेड, ये है कॉर्नफ्लेक्स एंड बनाना. वहाँ पे चल रहे हैं बहुत ही कमाल के नज़ारे, ठीक है. एंड मौसम देखो कितना कितना प्यारा मौसम हो रहा है फिलहाल. ऐसे व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करना अलग ही मज़ा है, ठीक है. एंड मैंने मंगाई है कॉफ़ी, चाय नहीं पीऊँगा. एंड आई थिंक कॉफ़ी बना के लाएंगे ये लोग प्रॉपर. तो लेट्स सी कॉफ़ी कैसी आती है. लेट्स स्टार्ट विद द कटलेट. देखते हैं भाई ये कैसा है. साइज में काफी छोटा है, यूजुअली तो काफी बड़ा होता है जो आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा. तो इसको ट्राई करता हूँ. साइज में छोटा है लेकिन टेस्ट में कहीं से पीछे नहीं है, काफी अच्छा है. और आप चाहो तो दो चार ऑर्डर कर सकते हो बिकॉज इट्स अनलिमिटेड हियर. कटलेट को आई वुड गिव अराउंड 9/10, काफी बढ़िया है. एंड साथ में हमको मिला है कॉर्नफ्लेक्स. तो कटलेट को आप ब्रेड में लगा के खा सकते हो. तो दिस इज सो फार द ब्रेकफास्ट, ठीक है. जो मिल्क दे रहे हैं ये काफी मतलब प्योर मिल्क दे रहे हैं, इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं है. तो ये कॉर्नफ्लेक्स खाने में भी काफी टेस्टी लग रहा है. जूस भी होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिलहाल ये सब चीजें कुछ भी नहीं दी इन्होंने बिकॉज अगेन इनका कैटरिंग में इश्यूज चल रहे हैं. नॉर्मल IRCTC की कैटरिंग नहीं है, ये दूसरी कैटरिंग है. आई थिंक बहुत तेज बारिश होने वाली है. ये जो ब्लैकबेरीज है ना, इसका जो टेस्ट आ रहा है ना गाइस, बिलीव मी, एक नंबर. हम आ चुके हैं बोरीवली में, ठीक है. बाहर गया था लेकिन हल्ला काफी ज्यादा था तो इसलिए मैं अंदर आके आपसे बात कर रहा हूँ. ये है ऑफिशियली हमारा लास्ट स्टॉप. वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम बोरीवली. आप समझ गए होंगे कि मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद. और मैं मुंबई से अहमदाबाद क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, ये भी आप में से बहुत लोग समझ ही गए होंगे. ऑल्सो यहाँ तक ब्लॉग देखा है तो लाइक जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब जरूर दबाइएगा. ऑल्सो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलती रहेगी कि मैं किधर हूँ, क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में. Covered around 1355 kilometers. What a journey it has been. Actually guys, मैं सामान निकाल रहा था, कोई भैया अपना वॉलेट छोड़ गए हैं. मैं इनको जानता हूँ एक्चुअली बेसिकली. हाँ वॉलेट छूट गया उनका भैया. आ रहे हैं ये था भाई, क्या एक मिनट आप इधर रहना. तो मैं देख ले रहा हूँ एक बार गाइज, निकलने से पहले ना सब कुछ चेक कर लिया करो, छूटा की नहीं. देखो जैसे भैया अपना वॉलेट छोड़ गए, सबसे आखिरी में मैं ही निकल रहा हूँ गाइस. पूरी ट्रेन जो है खाली हो चुकी है. एंड वो जो भैया अपना वॉलेट भूल गए थे, उनका वॉलेट भैया ने संभाल लिया. भैया आएंगे तो दे देना उनको, ठीक है. हम तो क्या रेलवे वाले हैं, हमको कल उठ के मेरे नाम पे है ना कोच. नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप आगे दे देना किसी को. देखता हूँ ना तो मैं टीटी ऑफिस में जाता हूँ ना. हाँ वहाँ माल बाहर निकालता गाड़ी. कोई नहीं कोई नहीं कोई, थैंक यू. फाइनली वी हैव रीच्ड मुंबई. ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये अगस्त क्रांति लिख रहे हैं इसके ऊपर. अच्छा राज देखा आपने, ये क्या राज है, इन्होंने पलट दिया इसको. अब यही जो है अगस्त क्रांति बन के जाएगी दिल्ली. चलो ठीक है, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना. एंड मिलता हूँ आपसे अगले वाले ब्लॉग में. डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड HARRY20 मैक्स प्रोटीन कुकी के लिए, बिकॉज ट्रैवल के साथ हेल्थ भी बहुत जरूरी है. अगर आप ट्रैवल करते हो मेरे जैसे तो अपने साथ हमेशा कैरी करो मैक्स प्रोटीन कुकी फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.